ओम नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति का वशीकरण कर सकते हैं। वशीकरण क्या होता है पहले वो समझ लीजिएगा। आप यदि किसी व्यक्ति से अपनी जायज बात मनवाना चाहते हैं, अब जायज बात क्या है? जायज बात का मतलब है कि ऐसी बात जिससे किसी भी व्यक्ति का नुकसान ना हो, ना ही आपका ना ही किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान ना हो, जिससे कि दोनों ही व्यक्ति का फायदा हो या फिर किसी भी एक व्यक्ति का फायदा हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको किसी गलत काम के लिए आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी भी वशीकरण मंत्र को या यंत्र को आपको यदि फायदा होता है जिससे कि किसी का नुकसान ना हो तो आप ये उपाय करेंगे। किसी भी व्यक्ति को आप इससे वशीकृत कर सकते हैं और जिससे आपकी बातचीत ज्यादा होती है यदि उसके लिए करें तो ये उपाय जल्दी परिणाम देता है, जल्दी रिजल्ट देता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप समझ सकें कि इस उपाय को करना कैसे है। आपको एक कागज लेना है, किसी भी रंग का कागज लेंगे आप, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। नीचे एक लाल रंग का आसन बिछा लेना है, लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है और इसके पश्चात आपको फूल लेना है। गेंदे का फूल देख रहे हैं आप, ये लगाना है, किसी भी कोने पे लगाएंगे आप। और एक फिर पीले रंग का फूल और ऐसे ही एक लाल रंग का फूल और फिर एक और लाल रंग का फूल आप इधर लगाएंगे। ये चार फूल देख रहे हैं आप, किसी भी तरीके के फूल हो, अलग अलग रंग के हों, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप एक ही रंग के फूल भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, मगर आपसे अनुरोध है यदि आप अलग अलग रंग के लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके पश्चात क्या करना है? इसके पश्चात आपको एक लाल कलम से एक छोटा गोला बनाना है भीतर की तरफ, और इसके पश्चात आपको काले रंग का कलम लेनी है और इसके बाहर काले रंग से गोला बना देना है। गोला एकदम सटीक ना भी बने कोई बात नहीं, मगर कागज साफ सुथरा हो और कहीं से फटा हुआ ना हो, खंडित ना हो और कागज पे पहले से कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप बांटना शुरू करेंगे, काली कलम से ही बांटना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप देख पा रहे हैं 8 रंग में, 8 भागों में हमने इसको बांटा है। अब अंदर क्या लिखना है? इधर लिखेंगे आप ओम, लाल कलम से। फिर इधर लिखेंगे आप सह, काली कलम से। फिर यहां लिखेंगे आप लाल कलम से ओम, और फिर यहां लिखेंगे आप काली कलम से सह। ऐसे ही आपको एक एक करके लिखना है, ओम सह, ओम फिर सह। आप देख पा रहे हैं कि हमने लिख दिया है। अब इसके अंदर आप उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं, जिसको वशीकृत करना चाहते हैं, अंदर उस व्यक्ति का आपको नाम लिखना है। फिर एक जगह और नाम आएगा उस व्यक्ति का, या तो आप ऊपर लिखेंगे या फिर इसके नीचे लिखेंगे। क्या लिखना है आपको? पहले उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे आप, जो भी नाम है पूरा नाम लिखना है आपको उसका। इसके पश्चात आप लिखेंगे
वश माने स्वाहा। अमुक वश मानाए स्वाहा, ये आपको लिखना है। आप अंदर लिख सकते हैं नाम और मंत्र भी, ये जो हमने लिखवाया है। यदि पूरी जगह नहीं है, जैसे कि आपने देखा इसमें जगह नहीं थी, छोटा गोला था, तो आप बाहर भी लिख सकते हैं। यदि आप अंदर लिख देंगे पूरा का पूरा मंत्र, तो आपको बाहर लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। हमने अंदर सिर्फ नाम लिखा है और फिर ऐसे ही नाम बाहर लिख के हमने मंत्र लिख दिया है, तो आप बाहर भी लिख सकते हैं और अंदर लिख रहे हैं तो सिर्फ अंदर लिखिएगा। और यदि बाहर लिखेंगे तो सिर्फ अंदर भी नाम लिखना है और बाहर भी नाम लिखना है। तो ठीक है, अब हमने आपको बता दिया है। अब इसका क्या करना है यंत्र का, और फूलों का क्या करना है। जब आप ये यंत्र बना देंगे, ये यंत्र आपको कब बनाना है, ये यंत्र आपको सोमवार को बनाना है या फिर आप इसको शनिवार के दिन बनाएंगे। समय होगा सुबह 6 बजे से लेके शाम के 5 बजे के बीच में आपको इसको बना लेना है। जब आप ये बना लेंगे तो आप ये चारों फूल जो आप देख रहे हैं, किसी भी मंदिर में जाके आप इसको चढ़ा कर आ जाएंगे चारों फूलों को। इसके बाद क्या करेंगे, आप ये फूल चढ़ा लेंगे तो ये यंत्र आपको अपने पास ही रखना है, और रोज आपको सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे के बीच में आपको इस यंत्र के सामने बैठ के 5 मालाएं जपनी है। मंत्र होगा आपका ओम क्लीम नमः। मंत्र लिख देते हैं हम, ओम क्लीम नमः। ये मंत्र आपको रोज जपना होगा। 5 मालाएं जपनी है, मतलब कि एक माला में, जैसे आपको पता है 108 बार जपा जाता है, तो आपको कुल मिला के जब आप जप रहे होंगे 5 मालाएं, तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान रखना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। जी हाँ, आपके दिमाग में सिर्फ उसी व्यक्ति का ध्यान होना चाहिए। यदि आप आंख खोल के भी करना चाहते हैं ये उपाय, वैसे आंख बंद करके माला जपी जाती है, यदि आप आंख खोल के माला जपेंगे तो आपको ये जो गोले के भीतर नाम लिखा हुआ है इसको देखते हुए आपको मंत्र जपना है, ओम क्लीम नमः। रोज जपना है, 21 दिन बाद आप देखेंगे कि जो व्यक्ति है उसमें बदलाव आने लगा है, और वह आपकी बातें, जायज बातें मानने लगा है और आपसे वशीकृत हो चुका है, और जो जो आपने बताया था, जो पहले वह नहीं मानता था जो बातें, वह बातें वह मानना शुरू कर दिया है उसने। इस बात का आप ध्यान देंगे कि कोई गलत काम आपको नहीं करवाना है, सारे के सारे जायज काम करवाने हैं, जैसे कि हमने शुरू में भी आपको बताया था। तो बंधुओं, ये आपने देखा, जाना, परखा कि ये उपाय कैसे किया जाता है, और यदि कोई आपका सवाल है तो आप हमसे पूछेंगे। एक बार फिर से बता देते हैं कि ये उपाय आप सोमवार को या फिर शनिवार को ही करेंगे। मान लीजिए आपने सोमवार को किया तो अगले दिन से आप माला जपना शुरू करेंगे, सो उसी दिन आपको माला नहीं जपनी है, और जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे तब आपको ये जो यंत्र है, इस यंत्र को आप उसी मंदिर की जमीन में गाड़ कर आ जाएंगे जहां पे आपने फूल चढ़ाए थे। मगर इस बात का ध्यान रखना है कि मंदिर के अंदर या फिर मंदिर के बाहर कहीं पे भी आप उसको गाड़ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि अंदर जाकर ही गाड़ना है। मंदिर के आसपास जहां से मंदिर आसानी से दिखता हो वहां पे भी आप उसको गाड़ के आ सकते हैं। तो बंधुओं, ये उपाय आप करके देखिएगा, पहले भी काफी लोगों द्वारा ये उपाय किया जा चुका है। यदि आप करेंगे तो आपको भी इसका लाभ मिलेगा, जैसा हमने बताया वैसे ही करना है। सावधानियां ये हैं, यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो शराब का सेवन नहीं करना है आपको इस बीच में, जब पूरे 21 दिनों तक, इस बात का खास ध्यान रखना है। किसी भी व्यक्ति को वशीकृत करने के लिए इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। तो बंधुओं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछिएगा, यदि कोई समस्या है तो कमेंट में लिख के हमसे पूछिएगा, और इस वीडियो को आप लाइक भी करें। तो बंधु, यहाँ तक वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई अन्य समस्या पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताया करें कि किस विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।